से कान इतना बड़ा है पूरी आंख इसकी ढक रही है। लग रहा पट बकरा यही है। मुबारक हो मेरी जान, आपको मुबारक हो। अगर आज बकरा नहीं लेके आया ना तो मान के चलो मैं पट्टे बांध दूंगा। लेकिन पहली बार मेरे मियाँ को शौक उठ रहा है पान खाने का। ये रही जागीर की चप्पल। तो गाइज आज मैं जितनी भी वीडियो एडिट कर पाता हूँ और जो थंबनेल एडिट करता हूँ वो सब आरान भाई की बदौलत है। तो नसीब की बात है, स्टार्टिंग में सबसे पहले भाई के पास आए, भाई के पास ही आए थे, बस अल्लाह ने हमारा ही लिखा था। ये लगी हुई माल आ चुका है यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे बच्चा आए हैं और आज हम बकरा लेने आए हैं भाई के पास, जैसे कि हमने दिखाया था आपको। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बकरे हैं। तो चलिए पसंद करते हैं सबसे पहले, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और उस साथ में आए मेरे भाई देख सकते। तो गाइस बहुत सारे भैया के पास बकरे आए हुए हैं, लग रहा पट बकरा यही है। ब्लैक वाले बोला ना, देख सकते हो माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। कितने दांत का है? चार दांत है। चार दांत का है? चार दांत का है। गुलाबी बच्चे हैं। एंडू है? एंडू है ना। से कान इतना बड़ा है पूरी आँख इसकी ढक रही है। एक भैया वो भी लेके आ रहे हैं। देखो इसके आंखें, देखो दो दांत, दो दांत, दो दांत। आईज देखो उसके गिरे गिरे आईज। तो क्या प्राइस देने वाले इनके बकरों के? भाई अलग अलग पट्टी का अलग अलग रेट है। अच्छा अच्छा अच्छा। सारे छः हो गए। तो देख सकते हो पेड़ को पूरा काफी अच्छे अच्छे बकरे हैं वैसे। अरे ये देखो, और भाई ये देखो, ये तो शेर घोड़ा लग रहा है मेरे को। ये कितने दांत का? दो दांत, दो दांत। ये दो दांत है? दो दांत। क्या बात है, इस बच्चे के कंधे पे पैर रख कर खाना खा रहे ऊपर। ये देखो देखो, अरे भाई भाई इससे भी हाइट का लंबा से डबल है ये, देख सकते हो उसको, देख सकते हो भाई। अगर आज बकरा नहीं लाया ना हम कम से कम और तीन दिन से रेगुलरली जा रहे हैं, मतलब डेली वाला जो सुबह शाम वाला। अच्छा। तो बकरे पसंद नहीं आ रहे, मतलब कोई अपना चढ़ नहीं रहा दिमाग पे। अगर आज बकरे नहीं लेके आया ना तो मान लीजिए मैं पट्टे बांध दूंगा। नहीं आज लेके आना किसी भी हाल में बकरा इंशाल्लाह। डे टू गाजीपुर। डे टू गाजीपुर। अरान हम लोग वहाँ पर गए जामा मस्जिद, उधर में गए कल शाम की बात बता रहा हूँ मैं। कल शाम में रुजर हम गए जामा मस्जिद, तो वहाँ पर मैंने मतलब वहाँ पर टेंट वेंट सब लगा हुआ, बकरे भी भरे पड़े हुए। 30 लाख का बकरा, 30 लाख का बकरा भाई। उसने बोला ना 15 लाख रुपए गोली लग रही वहाँ पर, जो बंदे थे ना उन्होंने इतनी तफरी ली उससे। 15 लाख में सिक्योरिटी भी ले लेता हूँ। भाई कितने? 30 लाख रुपए। मेरा 15 लाख तो लग चुके हैं। मैंने कहा 15 लाख चुके थे, मैंने पहली फुर्सत में भेज देता भाई। और क्या, मैं 15 लाख रुपए का कोई बुरा थोड़ी है। अगर तुम उसके 2 लाख भी बोलते ना, कहता भाई लाओ 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 लाओ, ऐसे बोल देता हूँ। अगर उसके हाथ में अगर हम कैश देते ना 2 लाख रुपए, लेकिन छोड़ लेता यार ये। सो गाइस लद्दाख आ चुके हैं, देख सकते हैं आप बकरे लेने के लिए। मिनी लद्दाख, कूड़ों का पहाड़। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी लगा दी यहाँ पर। आप वो लोग ट्रकों में से माल उतर रहा है, ट्रक में से माल उतर रहा है अभी, ताजा बकरे उतर रहे हैं। तो गाइस बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है उस तरह, बहुत भीड़ है। हम लोग कहीं जा रहे हैं देखने के लिए। तो ये आ गया, तो चाचा लेके आए हम इन बकरों के पास। So guys, finally, हम लोगों ने बकरे ले लिए। एक ये रहा माशाल्लाह से, और एक ये रहा, दोनों बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, देख सकते हो आप सब। देखो गाइस, मैंने कहा था ना दो बच्चे ले लिए, एक ये रहा और एक ये रहा। दो
तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, अल्लाह कुर्बानी कबूल करे बस। हाँ मीन देख सकते पूरी बकरा मंडी में कितनी ज्यादा बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई, कम से कम हमें देख सकते हो आप। तो ये अरान भाई पैसे कितने वो दे दिए भाई ने, सब निकलते हैं ऐसे चक्कर आ रहे हैं। तो नसीब की बात है स्टार्टिंग में सबसे पहले भाई के पास आए, भाई के पास ही आए थे बस, अल्लाह ने हमारा यही लिखा था अभी हम लोग घर और बस माशाल्लाह चाचा ने करवा के करवा दिया काम, नसीब में हमारे ये बकरे लिखे थे पहले पसंद में ही आए थे। हाँ हाँ भाई क्या बोलना चाहेगा रुच बोल दे, ब्लॉग तो बनाई नहीं गाइस, बहुत भीड़ थी, हम लोग ब्लॉग तो बना नहीं पाए यहाँ पर गाइस, बहुत तपाया इन दो बकरों ने जो वीडियो बना रहे हैं देखिए। और एक्चुअली मार्केट वाले भी ना ब्लॉग बनाने नहीं देते हैं बकरों का, तो हमने सोचा था हम बकरे ले लेंगे अपना तो उसी का ब्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, तो मैंने इसलिए आप कैमरा खोल लिया आप लोगों को दिखा दिया इसमें, क्योंकि अभी हमारी प्रॉपर्टी है। कौन से वाले ने भगाया मुझे, ये वाले तो भगा इसी पीछे पीछे भाग रहा था, उसको ले लेके भाग रहा था बहुत। एक से गाइस एक से एक बकरा आया है, आप भी आ सकते हैं गाजीपुर मंडी है और बहुत अच्छा अच्छा बकरा माल यहाँ पर आया है और अब पूरा माल आ चुका है बकरे का, आप लोग आगे यहाँ पर ले सकते हैं बस इधर ये देखो लेके भाग रहा उसको, अबे तुमसे बकरे नहीं समझ ले। तो गाइस चल रहे और अब जा रहे घर की तरफ, एक माल लेके चल रहा है गुरुज, दोनों एक एक बकरे लेके जा रहे हैं। मुबारक हो मेरी जान आपको, मुबारक हो। अमान से समझ लिया, देखो अमान को लेके भाग रहे थे दोनों, अब आराम दोनों कैसे भाग रहे हैं, देखो कैसे लेके जा रहे हैं, उसका गला घुट गया। अब बताओ कैसा रिया सौदा माशाल्लाह, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा उसके, पकड़ ले ऐसे पकड़ ले, उसकी सींग है बेटा, उसकी सींग ही नहीं, ऑर्डर लिया मार देंगे गाइस। हमारे साथ सीन हो गया है, ये देखो जाकिर भाई लेके आ रहे हैं अभी बकरे ऑटो ऑटो करके, बाकी हमारी कार यहाँ फंसी पड़ी है बड़ी गंदी तरीके से, चारों तरफ से गिरी है, पीछे कार है, पीछे कार है हमारी कार ये खड़ी हुई, बाकी हमारा और मैं रुके हुए हैं कार के, मैं सोच रहे पबजी खेलेंगे थोड़ी देर बैठ के। भाई 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 आप वो ही हो ना जो फैमिली व्लॉग पर वीडियो बनाते हो भाई, आपके बहुत बड़े फैन है भाई, एक बार बोल दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई ने बकरे लिए भाई यहाँ से लिए क्या गाजीपुर मंडी से, मंडी से लिए यार, भाई यार आपके बहुत बड़े फैन है भाई, एक बार बोल दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, के भाई फोटो फोटो बाकी पे जाओ ना यहाँ से। तो ये देख सकते हैं आप बकरों को आए हैं ये पत्ते, ये बकरों का भोजन आया है और ये खा रहे हैं मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे खा रहे हैं जल्दी जल्दी धोखा से भूख बोला, तू ज्यादा खा रहे, तो अभी भी इन लोगों को लेके आए हैं ये लोग बच्चों को, बर्तन लाने का भी इंतजार नहीं करने दिया इन लोगों ने, तो हमने क्या करा पटरी को उल्टा करके और इन लोगों ने इसमें डाल दिया, माशाल्लाह दो लोग हैं ना ये गाइस। देखिए मैंने आज लेके आई है अभी अभी चीज, लो मेरा बच्चा आ गया माशाल्लाह प्रोग्राम में, सल्लाह कैसा साढ़े ग्यारह बजे आ गया, हाँ आज माशाल्लाह जाकिर देखो साढ़े ग्यारह बजे आ गया और अब कर रहे हैं हम लोग अमान का इंतजार, बकरे दिखाए मैंने आज बहुत अच्छे से बकरे दिखाए और उनको खाते पीते भी दिखाया और... से बकरे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बकरों की दर्दी मुझे और अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमाए आमीन। और क्या बोलते हैं खाना खाया तूने, कहते ना बेटा घर में खीर तो बाहर भी खीर, आज मम्मी ने भी फ्राई बना रखा है और तुम्हें बाहर भी मिल गया होगी सब कुछ, आज इतना बढ़िया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चल गया था गाना बजाना, मेरे हस्बैंड अभी गाने का कर रहे थे, गाना ना गा रहे थे माशाल्लाह, तो अभी जस्ट बिल्कुल अभी गए हैं वो, और मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी तो मैं उनको दिखा नहीं पाई आपको गाते हुए,
तो आज आप लोगों को एक सरप्राइज दिखा रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप पानदान, ये रिबू के दहेज में आया था पानदान। और मेरे मियाँ तो हमारे घर में कोई छाली भी नहीं खाता है, लेकिन पहली बार मेरे मियाँ को शौक उठ रहा है पान खाने का। तो देखिए वो ये लेके आए हैं, ये देखिए। तो ये देखिए, हमने कभी पान खाए नहीं है, लेकिन हमने अपनी दादी को देखा था इस तरह से लपेटते हुए, और हमारी सास भी खाती थी ऐसे कभी कभी, तो वो ऐसे ही लपेट के रखती थी। और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ उसके अंदर, ये देखिए, ये रहा कत्था और ये रहा चूना। क्योंकि मुझे पान लगाना नहीं आता, तो मैंने पहले कत्था लगाया था, उसके बाद चूना लगाया था, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ कि पहले चूना लगना चाहिए बाद में कत्था। और ये रही छाली, ये सब मेरे हस्बैंड लेके आए थे। और ये वाली कुलिया खाली, क्योंकि यहाँ कोई तंबाकू नहीं खाता, और इसमें डाल दी थी मैंने सॉस। तो आप लोग बताना ये मम्मी और पापा कभी कभी खाया करेंगे पहली बार उनको लगा खाने की नहीं। मैं खुद इतनी हैरान हो गई, कह रहे यार कोई बात नहीं पानदान बनाओ, कह लगे पानदान बनाओ। तो रीबू ने जल्दी से मैं जान मुझे पता है मैं, मेरे बच्चों मुझे पता है मैं जानू, माँ को सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे पर पूरा आंखें मिच के कॉन्फिडेंट है, ऐसी बात नहीं कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, हमेशा आते ही पैसे देते हैं मेरे दोनों बच्चे। और रीबू क्या कर रही फ्रिज में, और ये आई हुई जबीना ये कर रही सफाई यहाँ पर, बर्तन वर्तन धो रही है। तो चलो चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं कि हमने अपने बकरे यहाँ कमरे में बांध दिए हैं। हाँ मेरे बच्चों, माँ आ गई। आप देख सकते हैं ये सही है ना, सुकून से रहो तुम लोग, ठीक है। और यहाँ पे आई हूँ मैं कबूतरों को बाजरा डालने। मेरे हस्बैंड को हर चीज़ का एहसास रहता है। और ये 10 रुपये हैं, पता नहीं किसके हैं, यहाँ पर जबीन आई होगी तो ये उसी के रह गए होंगे। और मेरे हस्बैंड को हर जानवर का एहसास रहता है। तो चलो चलते हैं, इतनी धूप हो रही कि मेरी आंखें नहीं खुल रही, ये मैंने यहाँ पलट दिया है। तो ये आप देख सकते हैं ये कैसे बैठे हुए हैं मेरे अच्छे पारे वाले। उरूज तैयार हो रहा है और उरूज का बनना है नाश्ता। और मुझे लग रही है बहुत तेज़ प्यास, क्योंकि मैं ऊपर से आ रही हूँ, गर्मी हो रही थी बहुत। तो ये आप देख सकते हैं मेरा बच्चा, देखो कितना अच्छा है जाकिर मेरा, मेरा बेटा देखो बिल्ली के बाल सारे निकाल रहा है सोफे में से, ये आप देख सकते हैं। और इसको रहता चीज़ का एहसास कि बाल वाल कहीं लगे होते तो ये निकाल देता, देखो कैसे सफाई से बाल निकाले, देखो बिल्ली के बाल। थैंक यू जान। और ये देखो, ये पापा लेके आए हैं तुम लोगों के लिए चप्पल, ये देखो। और ये लाए, एक लाए वो अपने लिए, एक जाकिर के लिए और एक अमान के लिए। तो ये हो गए महाराज सो के, ये इसमें तुम दोनों की चप्पलें, काली वाली चप्पल जाकिर की और कत्थे वाली अमान की। देख लिया अमन, ये आप देख सकते हैं ये चप्पलें लाए हैं क्या पापा, माशाल्लाह। ये देख सकते हैं, ये रही जाकिर की चप्पल, पसंद आई? हाँ पहन के देखो। सही आ रही ना चप्पल? हाँ ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। तो गाइस पापा की चप्पल आ गई माशाल्लाह, इस तरह ये बोले कि आए अपनी नहीं, ये भी अच्छी पापा लाते अपनी ने पहन हम लोग लेते हैं कोई बात नहीं, तुम पहनना वही पहनना। तो ये रिबू ला रही खाना मान के नहीं, क्या आप देख सकते हैं खाना रखा जाएगा। चप्पल वाले भैया, चप्पल कितने की दोगे? मैडम ये आपको पड़ेगी मात्र 750 रुपये। 750 रुपये की चप्पल? ये आपको ओरिजिनल मिल रही है, क्योंकि मैं ये बिजनेस बंद कर रहा हूँ अपना, 70 में आधे रेट में बेच के जा रहा हूँ। देखो ये आप देखो कितनी अच्छी चप्पल है, पीछे से भी देखो कैसी है। तो गाइस आज आए हैं रान भाई घर पे, और ये कर रहे हैं अपना ब्लॉग एडिट, ये अपना ब्लॉग डालेंगे, अपलोड कर रहे हैं। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, चलो ठीक है। तो आज रान भाई को दो बातें बताता हूँ मैं। तो गाइस आज मैं जितनी भी वीडियो एडिट कर पाता हूँ और जो थंबनेल एडिट करता हूँ, वो सब आरान भाई की
बदौलत है। अच्छा। मुझे एडिटिंग और थंबनेल एडिट करना रान भाई ने सिखाया। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब मेहनत नहीं की तो ये जाकिर भाई ने सिखाया मैं। नहीं दादा जाकिर भाई ने दिखते तो। अरे दादा नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है भाई। हमारी ऑडियंस को पता तो नहीं चाहिए कि स्टार्टिंग में मैंने करी थी ना तो मुझे ब्लॉग एडिट करना नहीं आते थे, और जाहिर सी बात है क्योंकि एडिटिंग कर दी थी कभी तो अरान भाई करते थे, मैं उनको दिखता था। उन्होंने बोला जाकिर भाई दिखते रहा करो आप, ऐसे आप देख देख के आ जाएगा आपको, और बहुत सारी चीज़ें सिखाई उन्होंने, अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाई मुझे। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ अपनी, आप लोगों को बताना चाहिए। और हम लोगों ने आज का व्लॉग एडिट कर लिया है। हाँ, जो अपलोड होगा अभी होने वाला है, 6 बजे होगा, 4 बज रहे हैं अभी, 4 बज रहे हैं, 2 घंटे में हो जाएगा। तो वो भी बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं सीख रहा हूँ भाई, उसमें जो व्यूज आएंगे तो उसमें कम व्यूज आएंगे तो मेरी कोई गलती नहीं, अगर ज्यादा आए तो समझ लेना मेरी वजह से आए। बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। तो भाई देख लो, आप ज्यादा व्यूज लाओ जो उससे आराम खुश हो जाए। नहीं खैर, मैं तो चाहता हूँ कि हर वीडियो पे आए भाई व्यूज यार, कितनी बात कर रहा था कि। तो आज दादा सुबह से साथ में है हमारे, और आज कंप्यूटर की वीडियो भी बना के आए हैं अपनी, मार्केट गए थे। हाँ, कंप्यूटर मार्केट गए थे, वहाँ की वीडियो बना के आए। तो भाई का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा रान का। तो ये मार्केटिंग ब्लॉग भी करता है और लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी डालता है, जैसे कि कंप्यूटर का होगा है, और आजकल बकरे चल रही तो बकरा मंडी की हर जगह की दिखा रहा है वीडियो मेरा भाई, कि सस्ते सस्ते और अच्छे अच्छे बकरे कहाँ पर हैं, दिल्ली चीपेस्ट मार्केट दिखा रहा है बकरों की। पूरा ब्लॉग मेरे ऊपर ही बना दोगे। तो चलिए, सोचा कंटेंट घर पे आया तो क्यों ना कंटेंट निकाल लिया जाए। तो 2.5 मिनट की तो वीडियो बनेगी दादा, 3 मिनट की वीडियो समझ लो। अब 3 मिनट में से कम 2 मिनट की तो काम की चीज आ गई इसमें, 3 मिनट है ना मेरी फिल्म बन गई। 3 मिनट बनी आराम की फिल्म। ओ भाई साहब, ठीक है चलो ठीक है। We'll be right back.